वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अपना एंथ्रोपोलॉजी का सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ विलेज एज अ सोशल यूनिट। तो विलेज स्टडीज़ का ये टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने कैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, फिर वो एक कम्युनिटी या मिनी रिपब्लिक के लेंस में कैसे देख सकते हैं, फिर उसके आसपास हमने कास्ट सिस्टम से थोड़ा सा रिलेट करते हुए बताया था जो हम और डिटेल में करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि विलेज जो है हमारा वो सोशल यूनिट कैसा है, तो सोशल एस्पेक्ट कैसे हमें दिखता है। तो विलेज को सोसाइटी या विलेज सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो विलेज सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ कास्ट, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो रिलीजन ये सब वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे जो विलेज स्टडीज़ हैं उनके सेंटर पे। तो कास्ट, किनशिप, इकोनॉमिक, पॉलिटी, रिलीजन हर इंसान की लाइफ को ये मार्क करता है। तो कैसा लाइवलीहुड है, क्या रिसोर्सेज हैं विलेजेस के, सारा का सारा एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमारा डिटरमाइन करता है द आइडिया ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज इंडिविजुअल की जो प्रेस्टीज है, जैसे आप देखते होंगे तो रूरल पीपल देयर प्रेस्टीज एंड पर्सनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है वो इन सब एस्पेक्ट्स से पूरा का पूरा रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती आती है। तो बेसिकली हम लोगों ने बात यहाँ पे की है, जो पॉइंटर हम लोग लेके आ रहे हैं वो है कास्ट, क्लास प्लस लोकेलिटी। तो लोकेलिटी एस्पेक्ट की आप कहाँ लोकेटेड हैं, वहाँ का क्या डायनेमिक्स है, ये सब जो है वो आइडेंटिटी को मार्क करता है। अब विलेज की अगर बात करें तो ये आइसोलेटेड यूनिट नहीं है। यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है या कोई सेलिब्रेशन या किसी के यहाँ शादी हो रही है तो विलेज, जैसे हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं जैसे दिल्ली में, मुंबई में, तो यहाँ पे एक शादी होती है, 2 दिन एक लोग इकट्ठा होते हैं। पर अगर वहीं पर हम विलेज की बात करें तो वहाँ पर अगर एक शादी होगी तो हर विलेज का हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता ही करता है। फिर वो एक तरह से पूरे गांव की बेटी और गांव की इज्जत की जैसे बात हो जाती है। तो दैट आइडिया कि सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तो वो हमारा एक वाइडर कंसेप्ट हमें दिखता है। अब जैसे हम नॉर्थ इंडियन विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिस है जैसे कि विलेज एक्सोगैमी की। जैसे नॉर्थ इंडियन विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है क्या, तो विलेज एक्सोगैमी का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। यानी कि लोग क्या कहेंगे, इस गांव की लड़की और उस गांव का लड़का, मतलब एक ही गांव में नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ देयर। तो यहाँ पे एक तरह से किनशिप कैसा है, क्या रिलेशन है, तो डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस भी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं थ्रू मैरिज एस्पेक्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मैरिज का सिस्टम कैसे, तो वो कैसे रिलेशन बनाता है। तो ऐसे में ही श्रीनिवास कहते हैं कि जो एक, मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर आपके विलेज में किसी तरह का कोई इंसल्ट हो रहा हो तो वो आपकी खुद की इंसल्ट मान जाती है, इतना पर्सनल एस्पेक्ट होता है। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है वो ये श्रीनिवास जो है हमारे ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसीलिए जो विलेज स्टडीज़ हैं, अगर हम बात करें तो MN श्रीनिवास ने एक स्टडी दी थी, MN श्रीनिवास ने हमको एक स्टडी दी थी जिसे हम कहते हैं क्या, स्टडी ऑफ द कूर्ग्स। ये लिखी थी कब, तो ये ईयर था 1952। तो मैं कहती हूँ ना 1950s में विलेज स्टडीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो विलेज स्टडीज़ हम इनकी देखें, या फिर हम बात करें IP देसाई की। IP देसाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1988 में इनकी स्टडीज़ आई हैं। तो इनके अगर वर्क देखा जाए तो ये बात करते हैं कि किस तरह से जो मार्कर्स हैं, जैसे इंटर कास्ट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि अगेन स्टेबिलिटी ऑफ द विलेज। तो पूरा स्टेबिलिटी, तो इसीलिए ये एक विलेज का स्टेबिलिटी मेंटेन होगा कि नहीं, तो वहाँ का किस तरह से रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सिमिलरली दुबे जो है वो, SC दुबे जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडियन विलेजेस हैं उनका एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक उनका वर्ल्ड व्यू होता है, लाइफ वेज होते हैं, और वो जो होते हैं वो इन लिंक होते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सोचा हो उस तरह से, या जैसा वो चलते आ रहे हैं। तो विलेज कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट
हैड अ कॉमन फीचर्स. तो कुछ कॉमन फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे कि विलेज सेटलमेंट की बात करें, तो एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगेन सॉलिडैरिटी. तो सॉलिडैरिटी एस्पेक्ट से मैंने कहा ना, एक में कुछ होगा तो एक की लड़की के बारे में कोई बात होगी तो वो पूरे गांव की इज्जत बनती है, तो इसीलिए सब प्रोटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे इन टर्म्स में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये एक तरह से सॉलिडारिटी का एस्पेक्ट आ जाता है, किनशिप का एस्पेक्ट आ जाता है. तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ज़्यादा देयर. तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक आइडेंटिटी, एक एंटिटी के रूप में हमें दिखता है कि किस तरह से एक यूनिटी एस्पेक्ट हमको दिखता है. डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी जो होती हैं, जो एक विलेज में होती हैं, वो इंटीग्रेटेड होती हैं इकोनॉमिक, सोशल और रिचुअल पैटर्न में. तो यहाँ पे एक तरह से रेसिप्रोकल, म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल प्रोकल ऑब्लिगेशंस हमें देखने को मिलते हैं. उन्होंने हमारा ये अच्छा किया. जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे शादी होती है, अगर कॉमन टर्म्स में बताऊँ तो शादी होती है तो जब कोई गिफ्ट्स आता है तो हम लोग उसी टर्म्स में गिफ्ट्स को वापस भी करते हैं. जैसे कि मैं तो एक आज शादी में गई जहाँ पर लिस्टिंग भी हो रही होती है कि हाँ उसने ये लिस्ट दी है ताकि उनकी जब शादी हो तो वापस करें. तो एक तरह से आप देख रहे हैं, हर चीज़ जैसे रिचुअल्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब चीज़ आपस में कनेक्टेड होता है. तो दैट इज़ देयर. तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं. और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विलेज जो है इसका, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट होल होता है. तो ये ऑर्गेनाइज्ड होल है. कनेक्टेड यूनिट है. तो दैट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. अब अगर मैं बात करूँ तो श्रीनिवास की हमने बात कर ली, एससी दुबे की बात कर ली, इन लोगों ने एम्फेसाइज किया है. तो श्रीनिवास निवास दुबे हैव एम्फेसाइज ऑन द आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ विलेज, यूनिटी ऑफ विलेज. तो पिछली बात में उन लोगों ने नेहरू और गांधी की बात की थी. अब हम एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट पे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द आइडिया कि एक एंटिटी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें अगर बात करें तो कुछ लोगों ने जैसे कि ये जो कंसेप्ट है आइडिया ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी, इसको रिजेक्ट भी किया है. जैसे लेविस हैं, बेली हैं. तो देखिए हर चीज़ का पॉइंट भी निकलता है और काउंटर पॉइंट भी निकलता है. तो रिजेक्ट किसने किया है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो एक आ जाते हैं तो बेली. इन्होंने 1960 में अपनी स्टडी दी है एंड ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन यूनिटी. इन्होंने एक तरह से रेडिकल क्रिटिक दिया था दिस आइडिया ऑफ यूनिटी एंड रेसिप्रोसिटी थीसिस का, और एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिया. इन्होंने कहा कि भैया जो जैसे कुछ कोर्सिव एस्पेक्ट होते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कास्ट रिलेशंस होते हैं, तो ये जो है ये डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी और हारमोनी जो कास्ट के बीच में एग्जिस्ट करती है इन द कास्ट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा हाई एग्जैजरेटेड है. ठीक है, हारमोनी हारमोनी बिटवीन कास्ट इज ओवर एम्फेसाइज्ड. और ये उसको गलत मानते हैं कि भैया हारमोनी वारमोनी नहीं होती एग्जिस्ट इन लोगों में, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में जो हम डिस्कोर्स दे रहे हैं कि भैया डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता. ये कहते हैं कि जो सिस्टम है ये वर्क करता है ऑन कोर्सिव, द सिस्टम वर्क्स ऑन द कोर्सिव, मतलब कोर्सिव सैंक्शंस विच आर इन द हैंड्स ऑफ अ डोमिनेंट क्लास. तो ये हैंड्स ऑफ डोमिनेंट क्लास, मतलब जो डोमिनेंट क्लास होगी, जैसे अगर सपोज इंडियन हायरार्कियल सिस्टम देखें तो ब्राह्मण अगर टॉप पे हैं तो उनके हाथ में जैसे कि वो लिटरेचर, एजुकेशन हो गया, स्कूलिंग हो गया, सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत आपस में बहुत हारमोनियस एस्पेक्ट चल रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट क्लास होती है वो अपना सिस्टम बैठाती है. तो इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते थे कि ये एक सिस्टम है कम्युनिटी यूनिटी का, ऐसा नहीं है. यहाँ पे कुछ सैंक्शंस है, कुछ कोर्सिव एटीट्यूड है, ज़बरदस्ती की तरह से बांध रखा है, ऐसा ये बोलते हैं. तो एफ जी बेली इज़ द नेम. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आपको ध्यान में रखना होगा. तो दैट इज़ देयर. तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कास्ट सिस्टम एंड किनशिप नेटवर्क्स की. इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बेस बना लिया है पूरा कि किस तरह से किसने क्या फेवर में किया. तो श्रीनिवास दुबे, एस सी दुबे ने बात किया है कि कैसे एक विलेज
एज अ होल, एज अ कम्युनिटेरियन होल की बात की, वहीं पे एफ जी बेली ने क्या कहा है कि क्रिटिक किया है इस आइडिया को, और कहा है कि सैंक्शंस, कोर्शन, इन सब की वजह से क्या होता है कि हम लोग जो ज़बरदस्ती सिस्टम को बैठा के चल रहे हैं, बल्कि अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्चुअल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो देयर, एंड बोथ द परस्पेक्टिव आर इम्पॉर्टेंट टू बी नोन. एंड यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस. थैंक यू.